गई। देव, या तुमने मेरी चाबी देखी क्या? तुम्हारी चाबी? पता नहीं कहाँ गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम चाबी से चलती हो। देव, मेरा मतलब घर की चाबी। तो तुम्हें चाबी क्यों चाहिए? तुम तो घर के अंदर ही हो ना। मैं शूटिंग पर जा रही हूँ, शाम को आने में देर भी हो सकती है। अरे तो बाबा, मैं तो घर पर ही हूँ। लेकिन अगर तुम कहीं बाहर चले गए तो? अगर मैं गया तो फिर तो मैं कोके जी को चाबी देके जाऊंगा। जी नहीं, कोके जी को बिल्कुल चाबी मत देना। हाँ क्यों? वो मेरी तरफ हमेशा ऐसे देखती है जैसे कि मैं उसकी सौतन हूँ। तुम भी उसको ऐसे ही देखो ना। हाँ, वेरी गुड आइडिया। मैं और उसकी सौतन? अरे अरे भाई, देखने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें देख लूंगी। तुम्हारा बस चले तो बाकी उसको मेरी सौतन बना के ही ले आओगे। मैंने बहुत ट्राई मारी लेकिन इसमें एक लीगल हैसल है। केको के होता इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो मुझे स्प्रे से एलर्जी है। एलर्जी है इसलिए तुम्हारी है स्प्रे। लेकिन सुनो, तुम बैलेंस ओनली 28 रुपीज 33 पैसा। एक पैसा नहीं बचता मेरा, एक पैसा नहीं बचता। कैसे बचेगा? मेरा आधा पगार तो इसे ब्रेड बटर खिलाने में चला जाता है। ओके, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये लो तुम्हारा डब्बा रखो। और केशु, सुनो, संभल के जाना और रास्ता भी संभल के क्रॉस करना। तो कोकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। रखना पड़ता है केशु, पिछले 6 महीने से तुमने इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भी नहीं भरा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और सुनो, रात को देर हो जाएगी। क्यों? अरे यार, एंडिंग है, शायद रात भर नहीं आ सकूंगा। हाँ, ऐसा मत करो केशु, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे बगैर? नहीं, तुम्हारे खर्राटे सुने बगैर। ठीक है, एक दिन मेरे खर्राटे टेप करके दे दूंगा, पूरी रात भर सोते रहना। बाय चिंटू। बाय डैडी। बाय। और देखो चिंटू, मम्मी का ख्याल रखना और घर के अंदर चोर डाकू और दिलरुबा अंकल को घुसने मत देना। चोर डाकू को तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगा, लेकिन दिलरुबा अंकल को मैं नहीं रोक सकता। क्यों? मुझे चॉकलेट दे देना। ए, क्यों झूठ बोलता है रे? आजकल तो वो बेचारे घर पर भी नहीं आते। आज मम्मी होश हुआ जाए। गुड मॉर्निंग। आ गया डाकू। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मेरी? क्यों? अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, किस सिलसिले में? चोर और डाकू के सिलसिले में। अच्छा, यानी आप अपनी बिरादरी वालों को याद कर रहे थे। दिलरुबा जी बातें करने में कम नहीं है, है ना केशु? ये जो है मेरे गुरु चिंटू, ये लो चॉकलेट। अरे दिलरुबा अंकल, रुकिए तो, डैडी को ऑफिस तो जाने दीजिए। आप ऑफिस जा रहे हैं? जाइए ना। चलिए चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। मुझे मेरे घर का पता पता है, 22A/12। तुम चलो, तुम्हें देर हो रही है ना। आप तो सुनो चिंटू, समझ गए वो? हाँ। और ओके, दिलरुबा के जाते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देना। हाँ पापा। जी, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। दिलरुबा जी, क्या कह रहे थे? मैं ये कहने आया था कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ। डॉल भी घर पे नहीं है, ये चाबी रख लीजिए। अच्छा, आप तो पूरा दिन घर पे ही है ना? हाँ, हाँ। मैं भी घर पे रहूंगा। बेटे बेटे, तुमको चॉकलेट दिया ना। दिलरुबा जी, बाजू हटिए ना, चाबी यहाँ पर रखिए, जब चाहे लीजिए। लेकिन 9 बजे के पहले। क्यों? फिर हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि डैडी घर पर नहीं है। बेटे, तुम शाम को कौन से फ्लेवर की चॉकलेट खाते हो? गोखले, बच्चे कभी कभी बड़े काम आते हैं। वो कैसे? अरे हमारी गैराजरी में घर पर पहरा जो देते हैं। फिर भी कभी कभी चोर घर में घुस ही जाता है। वो कैसे? केशव, मेरा एक दोस्त है, उसको ऑफिस के काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो जैसे ही बाहर जाता है, उसका पड़ोसी घर में घुस जाता है बच्चे को चॉकलेट देकर। चॉकलेट देकर? क्या हुआ? नहीं, दिलरुबा का बच्चा भी चिंटू को चॉकलेट देता है। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ केशव। फिर भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा। ओहो, कोकी भाभी पर तुम्हें इतना विश्वास नहीं? कोकी पर तो मुझे विश्वास है, लेकिन दिलरुबा के बच्चे पर मुझे विश्वास नहीं है। हेलो हेलो, केशव जी घर पे हैं? आप कौन बोल रहा है? मैं उनका एक दोस्त बोल रहा हूँ। हेलो दोस्त, डैडी घर पर नहीं है। कितने बजे आएंगे? ये मैं तुमको क्यों बताऊं? दरअसल मुझे उनसे कोई बहुत जरूरी काम है। काम है तो? किसका फोन है चिंटू? दिलरुबा अंकल का फोन है, आवाज बदल के बात कर रहे हैं। चुप, वो क्यों ऐसा करेंगे?
हेलो हेलो काकी जी, मैंने कहा था ना उनका ही फोन है। हाँ दिलरुबा जी कहिए। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। ऐसे ही मतलब वैसे ही फोन किया था पता करने के लिए कि केशव जी घर पे हैं कि नहीं है। कुछ काम था उनसे? नहीं, मैंने कहा अगर नहीं है तो फिर मैं आ जाऊं चाबी लेने के लिए। तो इसके लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने कहा पता कर लूं कि केशव जी घर पे मेरी चाबी घर पे है कि नहीं है। दिलरुबा जी आप आ जाइए घर पर। कोकी मैं आ रहा हूँ चाबी लेने। सर हम जाए, रात काफी हो चुकी है। अरे वाह, फिर क्लोजिंग का काम कौन करेगा? सर प्लीज आप कर दीजिए ना। नो। क्या सर, अब औरतों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? सॉरी मैं नहीं कर सकता। समझ लीजिए प्रेमा शालिनी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है तो। समझ गया। आप लोग जाइए, रात काफी हो चुकी है, जाइए। Sweet of you. Thank you. आप कितने अच्छे हैं सर। I know. Thank you. Good night, ladies. गोखले, औरतों के ऑफिस से जाने से ऑफिस कितना सुना सुना सा लगता है नहीं? अरे औरतें तो ऑफिस की जान होती है। अगर ऑफिस में एक भी खूबसूरत औरत हो तो काम की थकानी महसूस नहीं होती। कोई काम ही नहीं करता तो थकान क्या महसूस होगी? बात पता गोखले, जैसे हम औरतों के बारे में सोचते हैं, क्या औरतें भी हमारे बारे में वैसा ही सोचती? नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि उन्हें सब्जी वाला, गैस वाला, पाव वाला, दूध वाला, इनके बारे में भी सोचना पड़ता है ना। काम करो। चिंटू बेटे, ये लो तुम्हारी शाम वाली कॉफी फ्लेवर की चॉकलेट। थैंक यू अंकल। नो मेंशन। मम्मी है? हाँ है। जाओ बुला के लाओ। किस लिए? What do you mean किस लिए? जितना कहा जाए उतना काम किया करो। जाओ चलो। मम्मी दिलरुबा अंकल आए हैं। अरे दिलरुबा जी आप आइए ना, अंदर आइए। एक मिनट मुझे टाइम बताओ। टाइम बेटा 9:30। तो फिर आप अंदर नहीं आ सकते? ए चिंटू चुप, जा जाकर पढ़ाई कर लो। देखिए ना हमेशा ही ऐसे बच्चा है। अरे डॉल आई थी क्या? प्रेमा जी नहीं तो फिर मेरी चाबी यहाँ से। अरे हाँ लेकिन चाबी तो मैंने यही रखी थी। चिंटू। हाँ मम्मी। चिंटू तुमने दिलरुबा अंकल की चाबी देखी है? नहीं। ठीक है तुम जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और रख के भूल गई हो? नहीं फिर भी देख लेते हैं। चलो मिलके ढूंढते हैं। हाँ चलिए। चलो भाई गोखले जल्दी करो, घर जाना है कि नहीं? घर की बात भूल जाओ केशव, आज की रात तो यही गुजारनी होगी। क्यों? टोटल टैली नहीं हो रही है। ओह नो। ओह नो। एक फोन कर लेता हूँ। कहाँ चली गई चाबी? हाँ बोलो केशव। तुम्हें कैसे पता चल गया मेरा फोन है? अब इतनी रात को मुझे और किसका फोन आ सकता है? अच्छा ठीक है। सुनो आज रात को मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा कोई आया तो नहीं था? नहीं तो कोई नहीं आया है। चिंटू सो गया? हाँ कब का। तुम फोन रखो तो मैं भी सोने जा रही हूँ। मेरा मतलब है तुम भी सो जाओ। ओके देखिए ना नहीं है ना यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चलेगी चाबी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहाँ पर रखी मैंने। अब नहीं मिल रही है आपकी चाबी। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ठीक है आज आप यही सो लीजिए। यहाँ नहीं नहीं आपको तकलीफ होगी खामखा। तो फिर कहाँ सोएंगे आप? आप हमारे बेडरूम में जाकर सोइए। और आप? मैं चिंटू के साथ उसके बेडरूम में सोऊंगी, लेकिन ये बात केशु को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? सो गया गोखले का बच्चा, सारी फाइलें मुझे सौंप कर सो गया। हेलो। ये कौन है बे? आपको कौन सा नंबर चाहिए? इज इट 6281384? कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लीजिए, ये नंबर तो सही है लेकिन ये रॉन्ग नंबर है। गोखले उठ, गड़बड़ है। कहाँ? अरे मेरे घर में। क्या मतलब? किसी मर्द ने फोन उठाया। रॉन्ग नंबर लगा होगा। अरे रॉन्ग नंबर कैसे लगेगा, 6281384। हेलो, इज दिस 6281384? आपसे पहले भी कहा था ना। कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लीजिए, ये नंबर तो सही है लेकिन रॉन्ग नंबर है। गुड नाइट। किसका फोन था? पता नहीं कोई उल्लू बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है। हेलो।
लगता है चिंटू को चॉकलेट देकर सुला दिया। दिस इज नॉट रॉन्ग नंबर, दिस इज रॉन्ग मैन। अच्छा, लेकिन आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, आप मुझे कंपनी दीजिए ना। क्या नहीं, मतलब गप्पे शप्पे मारेंगे? मम्मी चलो हम लोग सोने चलते हैं ना। हाँ तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खड़े रहता हूँ। मैं भी। गोखले मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, मैं फिर से फोन करता हूँ। अरे क्यों काम का टेंशन ले रहे हो? तो क्या करूं, जब भी फोन लगाता हूँ कोई मर्द फोन उठाता है और कहता है कि रॉन्ग नंबर। अरे रात के वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा यार। फिर भी मैं घर जाकर आता हूँ। घर जा रहे हो? तो क्या करूं, जब से तुमने मुझे वो चॉकलेटी पड़ोसी की कहानी सुनाई है ना, तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दिलरुबा मेरे घर में घुस गया। आप इस नाइटी में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रेमा जी भी ऐसी नाइटी पहनती है ना? लेकिन आपकी बात कुछ और है। दिलरुबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमा जी आकर चली गई होंगी? अगर आए भी होगी तो फिर चल छोड़िए ना उन बातों को, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। रात के 12 बज चुके हैं, आप मेरे सामने हैं और मैं तुम्हारे गोद में। दिलरुबा जी मुझे लगता है अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, गपशप भी बहुत हो गई है। गुड नाइट चिंटू बेटे, चलो उठो। गुड नाइट। गुड नाइट। साला सोया ही नहीं था। चिंटू तो अपने बाप का भी बाप है, कबाब में हड्डी। गुड बेडरूम। अरे पोपो पोपो। ये केको की आंखें हैं। यहाँ नहीं है, इसका मतलब दिलरुबा का बच्चा बेडरूम में घुसा है। कमीने! कोई बात नहीं, शीशे तो टूटने के लिए ही होते हैं। दिलरुबा के बच्चे बाहर निकल, बाहर निकल वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे बाहर निकल। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कुकी कहाँ गई? शायद चिंटू के कमरे में गई होगी, लात मारने की क्या जरूरत थी। कुकी, दोनों सो गए। कुकी, चिंटू सोया है। तुम कब आए? चलो हमारे रूम में जाकर बात करते हैं। क्या हुआ? मुझे पहले ये बताओ तुम वापस कब आए? 5 मिनट पहले। तुमने कुछ देखा? देखो कुकी, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या मतलब? अरे मैंने खाम खा तुम पर शक किया, मुझे लगा मेरी गैरहाजिरी में दिलरुबा हमारे घर में घुस गया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो केशव? Okay, I'm sorry, मैं पागल हूँ, मैं नादान हूँ, मैं शक्की हूँ, शक्की हूँ, शक्की हूँ। जोर से मारो, जोर से मारो। अरे हट जाएगा। दिलरुबा अगर हमारे घर में नजर आता तो मैं उसे ऐसे मारता कि कल प्रेमा जी उसकी शक्ल पहचानने से इनकार कर देती। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? केशु तुमने मुझ पर शक किया? नहीं, दिलरुबा, दिलरुबा जैसी शरीफ नेक दिल इंसान को लेकर तुमने मुझ पर घिनौना शक किया? जाओ केशु, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, जरूर मिलेगी। नहीं, जाओ तुम चिंटू के कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, नहीं, आज की रात बिल्कुल अकेली तन्हा अपने कमरे में सो जाऊंगी। जाओ केशु, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ। लगता है आज कुकी ने केबल पर 3-4 हिंदी फिल्में एक साथ में देख ली।
अभी तक गए नहीं, मुझे लगा आप गए। किशन ने आपको देखा तो नहीं? आपको पता है केशव जी को उल्लू बनाना सबसे ज्यादा आसान काम है। मैं दरवाजे के पीछे छुपा था, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मगर आप अभी यहाँ पर मत बैठिए, निकल जाइए यहाँ से। कहीं केशव ने देख लिया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं। अगर केशव जी ने मुझे देख लिया तो मेरा थोपड़ा बिगाड़ देंगे, फिर डॉल मुझे कभी देख नहीं पाएगी। कुकी, कुकी मेरी बात सुनो कुकी। शेखर, इसमें हाथ मिला नहीं जैसी कौन सी बात है? हाँ ये भी ठीक है। कुकी, कुकी दरवाजा खोलो, वरना इस दरवाजे पर मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। कुकी। ठीक है, खाना खा लो। लेकिन मुझे भूख नहीं है, नींद आ रही है। खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नींद आ रही है और तुम खाने के लिए कह रही हो? अरे तुम जरा सोचो। क्या हुआ? ये तुम अपना हाथ क्यों हिला रही? हाथ? हाँ, मच्छर, कितने मच्छर हो गए हैं। लेकिन मुझे तो नजर नहीं आते। वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मुझे ही दिखाई देगा। दिखाई देगा? यानी एक ही मच्छर है? एक ही है, बहुत बड़ा है। चलो, तुम्हें खाना नहीं खाना है ना? नहीं। तो चलो फिर सोते हैं। हाँ चलो। तू चिंटू के कमरे में। अब चिंटू के कमरे में? हाँ, और जल्दी आ जा वरना मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या? देव, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? केशव जी कहीं चाबी छोड़ के गया होगा। आता हूँ आता हूँ। हाँ, अब चिंटू के कमरे में। ये कौन आया? अब चिंटू के कमरे में सोऊंगी। केशव जी, क्या बात है? आप इस वक्त? I'm so sorry, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ केशव जी, मैं मजबूर हूँ। क्या हुआ प्रेमा जी? केशव जी, दिल घर पे नहीं है और मेरे पास दूसरी चाबी भी नहीं है। आपके पास तो नहीं छोड़ के गया दिल डुप्लीकेट चाबी? डुप्लीकेट चाबी? नहीं, यहाँ तो चाबी नहीं है। चाबी? ओह नो, अब मैं क्या करूंगी? मैं रात कहाँ गुजारूं? क्यों प्रेमा जी, ये आपका घर नहीं है? प्रेमा जी, ये घर आपका नहीं है? केशव जी, लेकिन कोकी जी। अरे कोकी तो सो गई है ना चिंटू के कमरे में, और ये 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 जो बेडरूम है वो खाली पड़ा है। आप वहां सो जाइए ना। प्लीज सो जाइए ना, प्लीज। थैंक यू केशव जी। केशव जी नहीं, सिर्फ केशव। केशु डॉल। केशव जी, आप बैठो, प्लीज सो जाइए। केशव जी नहीं, बैठो। आइए प्रेमा जी। बहुत अच्छा बेडरूम है आपका। आपको पसंद आया? हाँ, तो ये तो कपड़ों का ढेर है। वो कोकी जो है ना, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी भी जिसको कहीं भी छोड़ देती है। आप सो जाइए ना प्रेमा जी। ओके शिव जी, आप कितने अच्छे हैं। सच प्रेमा जी, और शरीफ भी है। प्रेमा जी, ये आप कौन सा परफ्यूम लगाती है? आपको पसंद आया? खुशबू अच्छी है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ, आप रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए आपको दे रही हूँ, रख लीजिए। और दिल को तो वैसे भी पसंद नहीं है, जब मैं स्प्रे करती हूँ तो छींकने लगता है। ये दिल पता नहीं कहाँ चला गया, कल सुबह आएगा ना तो मैं इसकी खबर लूंगी। हाँ मैं तो कहता हूँ प्रेमा जी, आप दिलरुबा जी को डिवोर्स ही दे दो। आई नो, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे मुझे पता है कहाँ गए होंगे, जुए में पैसे वैसे हार कर कहीं पी पा के पड़े होंगे। कोकी, हाँ मैं कपड़े बदल रहा हूँ। आप कहीं भी छुप जाइए। क्यों? यहाँ यहाँ कपड़ों का ढेर बन जाइए। क्यों? आइए आइए आइए। लेकिन I don't understand। आप छुप जाइए। केशव जी, आप छुप जाइए। छुप जाइए। आया कोकी, आया कपड़े बदल।
ये कपड़े बदल दिए? बदल लिए। क्या है केशु, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुमने तो कहा था तुम चिंटू के कमरे में सो रही हो, अब जाओ चिंटू के कमरे में। तुम्हें भी तो बुलाया था ना। मुझे नहीं आना चिंटू के कमरे में। तो इसका मतलब मैं समझ लूं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? है ना। तो ऐसे नाराज मत हो जाओ, चलो हम दोनों यही सो जाते हैं। नहीं, क्यों? नहीं, यहाँ नहीं सो सकते। क्यों? केशव, ये परफ्यूम तुम मेरे लिए लाए? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। चलो एक काम करते हैं, ये परफ्यूम रूम में लगाकर हम यही सो जाते हैं। दिल्ली बोल।